आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों का। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए बिजनौर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री ने चुनावी कार्यक्रम को लेकर लगातार एसपीजी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कार्यक्रम की सुरक्षा को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए चॉपर को उड़ाकर वर्धमान कॉलेज में रिहर्सल की गई। साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारी सहित पुलिस के आला अधिकारी पीएम के चुनाव कार्यक्रम को लेकर वर्धमान कॉलेज में डेरा डाले हुए हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर पूरा देश शोक में डूबा है। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर कलाकार भावुक है, लोगों की आंखें नम है। इसी कड़ी में गोरखपुर में भी स्वर सागर संस्था और तमाम उन कलाकारों के आंखें नम है, लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर उनकी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत भावुक पल है, और जैसे ही हम लोगों ने ये सुना है मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही है, और हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत बुरा हाल है, सब संगीत सीखते हैं। तो हम लोगों ने अपने स्कूल में कॉन्डोलेंस कर दी है, और तब से हम लोग बस उनको याद कर रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं। बहुत बड़ी पहुँची है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी हम लोगों ने उनके 92 बर्थडे पे बहुत खुशी से उनका जन्मदिन हम लोगों ने मनाया, और मेरे लिए तो वो सब कुछ थी, क्योंकि उनके कारण, उनके गानों की बदौलत मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये सब कुछ उनकी देन है। 92 गानों को 23 मिनट में गा के अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंने उन्हीं के गानों को, और मैं चाहती थी कि 93 जो उनका जन्मदिन है उस दिन 93 गानों को गाकर मैं अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ूं, पर ये नहीं हो सका, और इस बात का दुख मुझे बहुत ज्यादा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित करने के लिए आज बैठक में मंथन हुआ, तो अयोध्या के आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करने की भी तैयारी है। बता दें कि मॉडर्न कंट्रोल रूम से अयोध्या की निगरानी की जाएगी। आज सर्किट हाउस में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक सम्पन्न हुई। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने कहा कि कार्य की प्रगति कार्य अवधि के अनुरूप चल रही है। प्लिंथ के निर्माण में ग्रेनाइट स्टोन लगाया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर से 17,000 ग्रेनाइट स्टोन अयोध्या पहुंच चुके हैं। अनिल मिश्र ने बताया कि राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था हाईटेक होगी। काम की प्रगति जो निर्धारित कार्यावधि है उसके अनुरूप चल रही है। इस समय प्लिंथ का जो ग्रेनाइट स्टोन है वो लग रहा है 17,000 ग्रेनाइट स्टोन, जहाँ पर बंसी पहाड़पुर के पत्थर लगा करके मंदिर बनाए जाने हैं, जिसको मंदिर का फुटप्रिंट कहेंगे, उस पर लगने वाले हैं। उसकी पहली लेयर का काम अभी चल रहा है, जिसमें से आए हुए सभी अभी लगभग 700 पत्थर वो अभी लगाने का क्रम जारी है। प्रतिदिन ऐसे कोई 20 से 25 पत्थर लगाए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसको कैसे 80 से 100 पत्थर पर दिन लगाए जाएं, इस लक्ष्य तक पहुंचना है। 2022 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत पश्चिम में झोंक दी है। पहले वो दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर अब कुछ ही दिन समय शेष है। सभी पार्टियां जनता को अपनी अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हैं। इसी कड़ी में सहारनपुर के गंगोह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी चौधरी कीरत सिंह ने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। गंगोह के हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बांटने का काम किया है।
विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है, तो साथ ही पुलिस अब अपराधियों की धरपकड़ में फुल एक्शन में है। हरदोई जिला में अवैध शराब बनाने वाले अब तक सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें 107 अभियुक्तों के साथ पुलिस ने कई भट्टियों और 1,00,000 लीटर से भी अधिक लहन को बर्बाद किया है। SP राजेश द्विवेदी के मुताबिक आचार संहिता के दौरान पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस के हाथ अभियुक्तों समेत गैर कानूनी काम करने के साजो सामान भी बरामद हुए हैं। गांव में अब बहुत कम समय रह गया है, इसके चलते विगत दिनों हम लोगों ने अपराधियों की धरपकड़ के विरुद्ध अभियान चलाया था। अभी हाल में ही अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई थी। क्योंकि हमारी फोर्स बाहर जानी थी चुनाव के लिए, इसलिए कल दिनांक 5/2 से आज 6/2 तक हमने आबकारी विभाग से मिल करके अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसमें 24 घंटे में हमारे सभी थानों की पुलिस ने एवं आबकारी विभाग के लोगों ने मिल करके लगभग 70 भट्टियाँ इनको पाया, इनको तोड़ा, 5,863 लीटर अवैध शराब बरामद की, 1,00,000 लीटर से ऊपर का लहन डिस्ट्रॉय किया गया और 107 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनमें इन अभियुक्तों के पास से एक राइफल, देसी राइफल, एक तमंचा भी। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले अमेठी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। SOG और पीपरपुर पुलिस ने असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अवैध 16 असलहा और 2 कारतूस सहित 10 अर्धनिर्मित असलहा उपकरण को भी बरामद किया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 1 अभियुक्त मौके से फरार हो गया। बता दें कि CO और गौरीगंज पुलिस कार्यालय में मामले का खुलासा किया। अमेठी में तेज रफ्तार अनियंत्रित गाड़ी के पलटने से 28 लोग घायल हो गए, जबकि 11 लोग घटने की हालत से गंभीर है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि सभी दिहाड़ी मजदूर संग्रामपुर से किसी काम के लिए जा रहे थे। वहीं घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घायल लोगों की हालात को देखते हुए उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया गया है। हम लोग माथा तोड़ने जा रहे थे, बस उनको रोक रहे थे, भैया मर जाओ, नहीं माने गाड़ी रोकने को, बोले रोक के भी नहीं, बस दूर से लेकर आ रहे थे, गाड़ी पलट गई बीच रास्ते में, हम लोग दब गए उसी में। भैया गाड़ी का बलर सही बिगड़ा था। अच्छा, तो अब चोट लग गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।